1985 भारत और पाकिस्तान को अलग हुए 38 साल हो चुके थे। वक्त के साथ बंटवारे का ये घाव भरने की बजाय नासूर बन गया था और सरहद पार नफरत खुलेआम फैल रही थी। कभी आसमां की दुहाई देकर तो कभी जमीन की। ये जमीन पाक है, यहाँ से पाक लोग रहेंगे। जब जब नफरतों का सैलाब रवा होता है तब तब मासूमों का हाल बुरा होता है। और ऐसे ही मासूमों का एक गांव था मुबारक, जहां कई हिंदू परिवार पुश्तों से बसे थे। माता जीजाबाई ने शिवाजी को मुगलों से लड़ने के लिए तैयार किया। शिवाजी बड़े होकर खूब लड़े। उनके दुश्मन का सेनापति अफजल खान एकदम राक्षस था। उसने शिवाजी को अकेले में बुलाया समझौता करने के लिए, लेकिन वो समझौता नहीं, उनके साथ धोखा करना चाहता था। उसने शिवाजी के पीठ पर वार किया। फिर क्या हुआ माँ? शिवाजी मर गए? शिवाजी ने लोहे का बख्तर पहना था। वो मुड़े और अपने हाथों के बाघ नख से अफजल खान की छाती चीर डाली। उसके बाद लोगों ने उन्हें पलकों पर बिठा लिया और उन्हें नया नाम दिया, छत्रपति। छत्रपति मतलब? अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसे कहते हैं छत्रपति। फिर क्या हुआ माँ? शिवाजी ने जीजाबाई के लिए बहुत बड़ा दुर्ग यानी कि किला बनवाया और उन्हें सोने के सिंहासन पे बिठाया। मैं भी आपके लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा माँ। सच? तुम माँ के लिए घर बनाएगा? ईश्वर ने चाहा तो तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। जा, जाकर अपनी माँ के लिए घर बना, मेरी माँ के लिए मत बनाना। अशोक, ये कोई तरीका हुआ अपने भाई से बात करने का? भाई कैसा, सब कहते हैं इसकी माँ मर गई तो फिर बाबा ने तुमसे शादी कर ली, मतलब तुम मेरी माँ हो, इसकी माँ तो मर गई है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। राम लक्ष्मण भी एक माँ के बच्चे नहीं थे, सौतेले थे, लेकिन आज भी जब दुनिया दो भाइयों की बात करती है तो उन्हें राम लक्ष्मण ही कहते हैं। तुम दोनों को मेरे राम लक्ष्मण बनना है। अगर तुम कभी आपस में लड़े ना तो मैं तुम मर ही जाओगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोल। माँ, माँ, आज आपका जन्मदिन है ना, इसलिए मैं आपके लिए जुड़वाम लाया हूँ। तुझे याद था बेटा कितना ख्याल रखता है तू माँ का। कहाँ से लेके आया? चुरा के लाया है, रघु काका के बगीचे से। शिवा, तूने चोरी की? नहीं माँ। चल बे झूठे, स्कूल से गुटली मार के रघु काका के पास गया था कि नहीं? माँ की कसम खा। शिवा सच बता, मेरी कसम खा। शिवा खा मेरी कसम, चोरी की तूने? बोल बोल, मेरी सारी सीख तूने मिट्टी में मिला दी, विश्वास तोड़ा। मैंने सोचा था बड़ा होके तो अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन तूने चोर की माँ बना दिया। जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। बेटा सारे हाथ तोड़वा लेना, हम कल मंडी में जाएंगे। ठीक है बाबूजी। अरे सावित्री बहन, आप रघु काका ये ले लीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शिवा ने आपके बगीचे से ये आम चुराए हैं। इन क्या कह रही हैं आप? ये आम उसने चुराए थोड़ी है, ये तो उसकी कमाई के आम है। कमाई के? अरे आज सुबह बोला कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है, उसको आम बहुत पसंद है, तो मैं निकल लीजिए बेटा। तो बोला नहीं, मैं तो अपनी कमाई के आम लूंगा। दिन भर बागीचे में काम किया तब जाकर ये आम कमाए उसने। बहुत होनहार है आपका बेटा। यहाँ क्या कर रहा है बेटा? कब से ढूंढ रही हूँ, घर नहीं चलना है। तूने सच क्यों नहीं कहा? माँ तूने विश्वास कैसे कर लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो फिर कसम ही खा लेता। माँ सच्चे दिल की नियत 100 कसम से बड़ी होती है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, कितना बड़ा हो गया, मुझे माफ कर दे बेटा।
मुबारक में खुशियां ज्यादा दिन नहीं रही, नफरत की आंधी आखिर वहां पहुंच ही गई। सिकंदर, यार लोग सिक्कू कहते हैं। मेरा नाम शिवा है। खा लो। सबको मिलाकर आपके गुलाम माने शरणार्थियों की संख्या 5,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो इस गरीब की हथेली पर भी शुक्रिया। आपकी जय हो, सोलंकी साहब की जय हो। ए सुनो फटियाल फकीरों, तुम लोग सब निराशी हो, यहाँ इल्लीगल आए हो। इल्लीगल मतलब अवैधानिक। कायदे से देखा जाए तो तुम लोगों को वापस वही भेज देना चाहिए मरने के लिए, लेकिन भैरू साहब का दिल दरिया और कृपा समंदर है, इसलिए तुम सब पर रहम करके तुम्हें यहाँ काम पर रख रहे हैं। तो याद रखो, आज से तुम सबकी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, साहब की है। तो चुपचाप इस कागज पर साइन करना और काम पर लग जाना। चलो आओ, चलो चलो, जल्दी करो, चल साइन कर। ये तो कौन रखा गया? तेरी जिंदगी कौन सी सतरंगी रे बुढ़ो, चल चल साइन कर चल। कुछ जबरदस्ती है क्या? बोले कागज पे साइन नहीं करेंगे, शरणार्थी है, कोई बेवकूफ थोड़ी है, मेहनत कश लोग हैं, कहीं भी काम कर लेंगे। आप नहीं काम देंगे तो कोई दूसरा देगा। ये साइन कोई नहीं करेगा। काठिया चल। खिलाफ अगर किसी ने सांस भी ली तो खून के आंसू रोगे, आंसू तुम्हारे होंगे और खून तुम्हारे अपनों का। आदमी हो या जहाज, जब किसी काम का नहीं रहता तो यहां पर आता है अलंग, और इसी भंगार की आड़ में हमारा असली धंधा चलता है। और उस काले धंधे पर जो सोने की वरक चढ़ी है उसे कहते हैं भैरू सोलंकी, द किंग ऑफ अलंग। तुम लोगों का काम है मेरा माल दरिया से सही सलामत मेरे ठिकाने पर पहुंचाना। चलो चलो भागो भागो। वो तुम पर हमला करेंगे, बार बार करेंगे, निपट लेना। खाली पेटी लेके आया है, बोल भाग गया है, बोल बोल कहां छुपाया है, बोल बोल। अगर डर गए तो वो मार डालेंगे, लेकिन अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा जिंदा। उनसे तो शायद बच भी जाओगे, लेकिन मुझसे कोई नहीं बचेगा। कब तक भागूंगा?
सुनो, दो मिनट मेरी गल से सुनो। सिखाया तूने जमाल और उसकी गैंग को, वो क्या कहते हैं वो, सुवाचे। मैं क्या मजा ही आ गया यार। अरे भाई लोग, डेरा क्या बोलते हो? चुप कर डेरा, धंधे पर ध्यान दो। बहुत धंधा चलता रहेगा यार शिवा, ये डेरा रोज थोड़ी ना लगता है भाई, कभी कभी की बात है। अच्छा चल चलते, चल थोड़ी देर को चलेंगे, चल कोई ना घुमा ले घुमा ले। शाबाश। चल देखा कर दीवानी तू बड़ाना, ये कहा
स्कूल जा कर रही थी ताकि मेरे भाई सही सलामत वापस आ जाए। पहले नजर उतारने दो फिर ही स्कूल जाओ। हाँ उतारो उतारो नजर वजर सब उतारो। ये तेरा भाई काम ही इतना डेंजर करता है, दिन रात हथेली पे जान लेके घूमता रहता है। पिक्कू भैया यार सिक्कू जरा जय समझा अपनी बहन को, ये नजर उतार रही है कि नजर से उतार रही है। सॉरी सिक्कू भैया बुरा मत मानना, पर नजर उसकी उतारी जाती है जो औरों को बचाता फिरता है और खुद अपना ध्यान नहीं रखता। सगे भाई को छोड़कर शिवा की नजर उतार रही है। ऐसी बात नहीं अजय भैया, आप सगे से लीक चानस सिर्फ आपको ही मिलेगा और किसे नहीं। अच्छा कैसा चानस? कल सुबह स्कूल जाके मेरी फीस भरने का। वो तूने ये काका की दुकान का बल्ब देखा है, हमारी जिंदगी की तरह है, जलता बुझता रहता है। इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, 50 बार ठीक करा चुका हूँ। ओ काका कड़क मीठी आण दो। हाँ हाँ ठीक है। अरे क्या काका वही क्रिमिनल ऑब्सेसिड बूंदी के लड्डू का बनाओगे? कोई फायदा नहीं भैया, देखा नहीं था पिछली बार लड्डू बनाए थे, लड्डू से भरी पूरी की पूरी पतली ये बटला खा गया। पगार से भी तो काट लिए थे और मैंने सब नहीं खाए, एक बचा था वो आपने खा लिया। कहाँ चल दिए सेठ जी? देखो काका अपना सबका टाइम टू टाइम होता है, सुबह 6 से 9 काठिया की ड्यूटी, 9 से 12 आपकी ड्यूटी, 12 से 3 मेरी माँ की ड्यूटी, 3 से 6 आपकी ड्यूटी, फिर 6 से 9 काठिया की ड्यूटी। हाँ अबे तू लड़का है या सिनेमा हॉल? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, अगर हम हमारे घंटे ऐसे बांटने लगे तो सोचो क्या होगा यार। तू फुकट का चाय पी के टाइम खोटी नहीं करते। तू आज मुंह मत खोल, तेरा दिन आज ठीक नहीं जा रहा है। गप्पू गप्पू कहाँ जा रही हो? मैं आ रहा हूँ ना, तुम्हें दिखता तो है नहीं, अगर तुम कहीं गिर जाओगी तो? कितनी बार कहा है बाहर मेरे बिना मत निकला करो, मैं यही हूँ ना, मुझे एक आवाज़ दो मैं आ जाऊँगा। अरे मैं तो बस दरवाजे तक ही आ रही थी गप्पू बेटा। माँ ये दरवाजा अंदर खोलो तो घर है, बाहर खोलो तो सड़क है। अगर तेरे मामा का पता चल जाता तो तुझे इस उम्र में इतना काम नहीं करना पड़ता। मिल जाएगा माँ, अभी पूरी भाजी मिली है, चलो खाओ। मामा नो करके इटले पूरी मड़े इटले। कितने साल हो गए तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को कुछ पता चला? मैंने बहुत ढूंढा पता नहीं चला। मिल जाएंगे, ऊपर वाला तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटने देगा। जामनगर से मोटा भाई का फोन आया था, हाई कमीशन से बात हो गई है, अगले इलेक्शन में कांतीलाल के बदले टिकट हमें ही मिलेगा। फिर तो अखा गुजरा था आपका भाई। हाँ लेकिन तमाशा जितना बड़ा हो देखने वाले उतने ही ज्यादा होते हैं। अच्छा ना भाई? बहुत अच्छा है, और इससे भी अच्छा होगा कि गांधीनगर में सचिवालय के सामने हमारी दुकान खोल दो। हैं? यहाँ पर दिल्ली से लोग आने वाले हैं, पार्टी का ऑफिस बनने वाला है, और ये सब क्या है? ए, उठा। देख इसको बोलते हैं ऑफिस, मुझे पूरा जगह ऐसा चाहिए एकदम चकाचक, और ये गोदी के कूलियों का आना जाना बंद करो यहाँ पे, और जितने भी घटिया लोग हैं उनको बाहर से निपटा दो। हो जाएगा भाई। क्या मालिक 12 साल से वही पगार है, काम इतना बढ़ गया है तो पगार भी थोड़ा बढ़ा दो ना। और पैसा चाहिए कहीं को? वो मालिक मेरी बहन की। तेरी बहन जवान हो गई क्या? नहीं मालिक। ओह अभी तक जवान नहीं हुई, जब जवान हो जाए यहाँ ला के बिठाना मेरे पास, तुझसे ज्यादा कमा के ले जाएगी वो। मुट्ठी बंद आंखें लाल, मिर्गी का दौरा पड़ रहा क्या बे? आंखें नीची कर, जमाल को मार के खुद को हीरो समझ रहा है क्या बे? अबे आंखें नीची कर। मालिक 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 चुपचाप ले और निकल यहाँ से, तू क्या देख रहा है, चपेट खाएगा, निकल शिवा, तू भी निकल, निकल यहाँ से, चलो। बिना गरजे बरस जाए ऐसा मर्द पहली बार देखा है मैंने। दे बड़ा बड़ा।
ये पकड़, ये ले पकड़। भाई बेवकूफ मत बन, कश्मी हमारी बहन नहीं है क्या? और तू क्या कर रहा था वहां पे? मालिक से पंगा। वाह जी वाह वाह, मुट्ठी तान रहा था उसके सामने, आंखें दिखा रहा था उसको। भूल गया क्या बोला था भैरव सोलंकी ने? भूल गया वो पहला दिन जब हम लोग यहाँ पर आए थे? उसके सामने सर उठाओगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आंसू होंगे हमारे और खून हमारे अपनों का होगा। अगर जिंदा रहना है ना शिवा, तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, सर झुका के, समझा ना? कब तक? वो मरते दम तक। चल घर चल, चल। तुम लोग जाओ, मैं आता हूं। चलो तुम लोग। क्या पटेल साहब, काम भी नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया, कितने दिन से फोन कर रहा हूँ? दूंगा। कब दूंगा? अरे कब? फोन चल। अरे कितना लेट किया तुमने, बैठे बैठे भूख लग गया। क्या लग गया? भूख? हाँ, जो भी खाने का लाया रख दो इधर। साहब जी, कुछ पता चला इनकी माँ जी और भाई के बारे में? पूरे डिस्ट्रिक्ट में दो लोगों का पता लगाना हलवा है क्या? एक फाइल खोलो तो चार नई बन जाती है, समझे? इसलिए मैं कहता हूँ वैसा करो, तुमको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन? हाँ, मेरी बेटी आ रही है सपना, उसको उठाना है। आपकी बेटी को उठा के लेके आना है? अरे डफोड़, उसको यानी उसके सामान को उठाना है। अच्छा अच्छा, और तमीज से बात करना उससे। क्यों? मतलब क्योंकि वो मेरी बेटी है और पोस्ट में मेरे से भी ऊपर है। अच्छा, इसीलिए। कलेक्टर की पीए है। क्या है? पीए है। सुना ना, कलेक्टर के पीए है वो, और जो काम बाप से नहीं हुआ हो सकता बेटी करके दे दे। ए, क्या? सपना पटेल। मैडम, ठीक से बोर्ड पकड़ना भी नहीं आता और क्या खंबे की तरह खड़े हो? सामान निकालो मेरा। नहीं नहीं, वो बात ये है ना कि हमको लगा पटेल साहब की बेटी आ रही तो थोड़ा समोसे खाते हुए आएगी। जबान मत चलाओ, रिक्शा बुलाओ। हाँ बस बस, ये गेंदे का घर, गेंदे के फूल वाला घर। चलो भाई, सामान ऊपर रख देना अच्छे से। कहाँ जा रहे हो? शाम को डांडिया पे जाना है, मुझे डांस पार्टनर चाहिए। इस पटेल का नाटक वधारे थे क्यों छे? एक साल से अपना काम लटका रखा है, पैसा वापस मांगो तो दूंगा 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 कहीं छे। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, मारी पास एक पाकी खबर छे, उसकी दिकरी दिल्ली से आई है। बोलो, किडनैप कर लो। वो तो कर लेंगे, लेकिन लेकिन क्या? आप अपना मुंह बंद रखना। ये ब्लैक एंड व्हाइट में शतरंज के पैदे नहीं लग रहे हम दोनों? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इसने नहीं, इसके बाप ने। एक छोटी सी जमीन का 7-12 करने का था, 10 लाख कैश ले लिया और ऊपर से खाकड़ा फाफड़ा खिला खिला के हम लोग का खिस्सा फट गया 100 लाख। देखिए भाई साहब, तुम्हारी बात बरोबर छे, लेकिन इसके बाप ने जो कुछ किया उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। इस वक्त ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको छोड़ दो ना। अरे पिछड़, अगर हीरोगिरी की ना तो लड़की को उड़ा देंगे, समझे? हे ब्रदर, अरे बस करना भाई, कितना मारेगा? अरे लड़की को लेके जाना, हमको जाने देना। अबे तेरी आवाज? ये मेरी मम्मी की आवाज है। लल्लू निकल लू। रो मत मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। आज तुम नहीं होते तो क्यों कर रहे हो तुम ये? माँ के लिए। हर 5 साल में शरणार्थियों की फाइल्स हमारी ऑफिस से यहाँ रखवाई जाती है। अच्छा। तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारी माँ और भाई 1985 में पाकिस्तान से यहाँ आए हैं तो 1990 वाली फाइल्स के लॉट में उनका नाम जरूर होगा। अरे इस पर तो रेफ्यूजी कैंप का एड्रेस है, ये कैंप तो कब का खत्म हो चुका है?
उदास मत हो शिवा, माना कि हमें नहीं पता कि इस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ है, मगर इस फाइल से ये तो पक्का हो गया कि वो इंडिया सही सलामत आ गई थी। मैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में फोन लगाती हूँ और पता करती हूँ, वो जरूर मिल जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। मैं ये फोटो ले सकता हूँ? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
ये हो क्या रहा है? वो क्या रहा है? भैरू भाई, मैं अगर आपको कुछ बोल दूं तो क्या मुझे भी मारोगे? नहीं, अगर मुझे मारने से इनकी हिंसा की भावना को शांति मिलती है तो मारो। चलो मारो मारो, मुझे मारो 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 मारो, मारो, मारो। बस बस कीजिए, ये पार्टी मीटिंग है, कोई मच्छी बाजार है क्या? भैरू सोलंकी, तुमने कांति लाल पर हाथ उठाया, धिक्कार है तुम पर। नहीं 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 नहीं, आप बड़े जी, आप चुप रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आप पर भी हाथ उठा दे। मुझ पे हाथ उठाएगा? मुझ पे हाथ उठाएगा? ये समझता क्या है अपने आपको? मार दिया, बोला था ना आपसे मैंने, मार देगा जी। इतनी जोर से क्यों मारा? अरे दाढ़ी थी, बच गए, नहीं तो दो तीन दांत तो अभी गिर जाते आपके। नहीं, इसने मुझे नहीं अपने पॉलिटिकल करियर को थप्पड़ मारा है, मेरे दिल्ली पहुंचते ही इसका खेल खत्म। तू तो गया सोलंकी, यू आर फिनिश्ड। टिकट मिल गया भैरव। राजनीति और गुंडागर्दी में फर्क होता है, समझ लो, सुखी रहोगे। जय भवानी मोटा भाई। टिकट मिल गया? नहीं, सब गड़बड़ हो गया। बोलो ढोलकी नो कड़किया गेम करेंगे, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा मोटा भाई, लेकिन अगर ये तारकेश्वर दिल्ली पहुंच गया ना तो टिकट पक्का नहीं मिलेगा। जय भवानी। कुछ पे छापते ये न्यूज़पेपर वाले, ट्रेन में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ? त्रिपाठी जी को मेरे मोटा भाई भवानी प्रसाद सोलंकी ने मारा। मिनिस्टर तुमने सही कहा था, राजनीति और गुंडागर्दी में फर्क होता है, समझ लो, जिंदा रहोगे। तुझे पता है आदमी की खूबसूरती का राज क्या है? क्या? बाल। तेरे पास नहीं है? तो खोया है शिवा, तू फिकर मत कर, बहुत जल्दी तुझे मां खुद ही मिल जाएंगी।
ये तेरी माँ नहीं, मेरी माँ है, सिर्फ मेरी माँ। और आज जो तूने किया है ना, उसके बाद माँ तुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ये क्या सर मुंडवा लिया? माँ आज भैया की बरसी है ना, और बड़ा भाई तो पिता की जगह होता है, इसलिए मैंने सर मुंडवा लिया। माँ ये पंडित जी ने गंगा जल दिया है शिवा की आत्मा की शांति के लिए, ध्यान से रखना। जी माँ। मैं ब्राह्मणों को खाना खिला के आती हूँ। ठीक है माँ। बारह साल पहले मैंने माँ से कहा था कि तू मर गया, लेकिन तेरे भूत ने मेरा पीछा आज तक नहीं छोड़ा। जितनी बार मैंने माँ के दिल से तुझे निकालने की कोशिश की, उतनी ही सिद्धि तेरी यादें थी जो आज तक नहीं गई। तू मर कर भी नहीं मरा और मैं जी कर भी जी नहीं पाया, लेकिन अब तुझे मरना होगा शिवा, और तेरे लिए माँ के इस अंधे प्यार को भी, सब खत्म होगा। तू, तेरी यादें, तेरा प्यार, सब कुछ। हाय शिवा। हाय शिवा, यहाँ कोई मंजू बहन रहती है? वो तो मेरी मम्मी का नाम है। क्या बात है, क्या हुआ? अरे नाना, एकदम गुड न्यूज छे। दुबई से एक सुनील प्रजापति की एप्लीकेशन आई है कि उनकी दूर की बहन मंजू और उनका भांजा गप्पू यहाँ रहते हैं, और वो उनको यहाँ से दुबई बुलाना चाहते हैं। सुनील मामा दुबई में है? हाँ, और अगर तुम और तुम्हारी मम्मी जाना चाहते हैं तो हम सारी व्यवस्था कर देंगे। मेरा भाई बरसों से खो गया था, इन आँखों की रोशनी के साथ उससे मिलने की उम्मीद भी चली गई थी, लेकिन आज आपने मिला के बहुत बड़ा एहसान किया है बहन। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मेरा काम है। आप बस जाने की तैयारी कीजिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ख्याल रखना मम्मी का। ओके गप्पू? ओके, चलती हूँ। बाय शिवा। बाय एवरीवन। अरे आप तो दुबई जाके बड़ा सेठ बन जाएगा गप्पू। सेठ? दुबई में सेठ नहीं, शेख होते हैं। अच्छा गप्पू शेख, ये बता दुबई जाके हमको भूल तो नहीं जाएगा? कैसे भूल जाऊंगा, फोकट में इतना चाय पिला है। लेकिन काठिया, वो जाने देगा इसे? जब किस्मत में गुलामी लिखी है तो कोई क्या कर सकता है। इससे अच्छा तो होता कि ऊपर वाला ऐसी छुट्टी उम्मीद ही नहीं दिखाता। काठिया से मैं बात करूंगा, मना लूंगा उसको। सर शिवा, तुम बात करोगे? खाओ कसम। सच्चे दिल की नीयत 100 कसमों से बढ़िया होती है। ना, मैं छोड़ूंगा। अरे डेढ़ फुटिया मेरा फेवरेट मालिश वाला है, उसके छोटे छोटे हाथों में ना जादू है कि मानस एकदम रिलैक्स थाई जाए। और ये दुबई जाएगा तो मेरा मालिश कौन करेगा? तू करेगा कि तेरी बहन का भेजेगा? तू करेगा, तू बोल। ए हीरो, आजा आजा। सुहाचा, खानदानी मालिश वाला लगता है। लेकिन पाँव कौन दबाएगा बे? तू अगर छोकरी होता ना तो तेरे को परमानेंट बना के रखता और फुल बॉडी मालिश करवाता। डेढ़ फुटिया तो दुबई जा सकता है। शिवा भैया कहाँ है? शिवा मार्केट गया है तेरे लिए नए कपड़े लाने। मामा ना घरे जवानो, नवी वावा पेरी ने बरोबर ने बरोबर। काकी, काका ने मारवानो ना है। हट बदमाश। ए गप्पू भैया, शू छे? हाथ दे। मारोगे क्या? ये लड्डू बनाए हैं, मामा ने घरे ले जावानो। जा,
ध्यान रखे जा। गड़बुटिया, मालिश का टाइम हो गया। तुमने तो बोला था कि मैं जा सकता हूँ। तब बोला था, अब नहीं जा सकता। मालिक, मुझे दो दिन के लिए जाने दो। मेरी माँ को दिखता नहीं है, मैं उनको छोड़कर वापस आ जाऊंगा, फिर अखा लाइफ आपकी मालिश करूंगा। चुप है, अभी नहीं चलेगा तो पूरा लाइफ इधर ही खत्म हो जाएगा। चल अब उनको ये ना बना। चुका के छूट नहीं सकते। जहाँ तुम्हारा कोई मामा चाचा फूफा नहीं है, बस एक बाप है, काटिया। और काटिया किसी को जाने नहीं देगा। जहाँ जिंदा रहना है तो आज इस लकीर के अंदर इस डेढ़ फुटिया को मरते देखो। इसको बचाने के लिए कोई भी लकीर पार नहीं करेगा। ये लकीर मिट नहीं सकती। देकर गया है कि इस लकीर के अंदर कोई भी जाएगा तो उसे भी मार देगा। शिवा मेरी बात सुन, बात सुन मेरी, पीछे हो जा शिवा। गप्पू की जान बचाने के चक्कर में पूरी बस्ती की जान दांव पे मत लगा। मेरी बात सुन, सुन रहा है तू? पैरा हो गया क्या? मैंने तुझसे पूछा था ना सिको, कब तक? आज जवाब मिल गया। Thank you.
ने कलश यहाँ पे रखा होगा। अरे शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया कर मनहूस। ये सब काले धंधे नहीं करने हैं। जो हो गया हो गया। आप भैरू सोलंकी को बोल दीजिए कि हमें और तंग ना करें। कैसी बातें कर रहा है शिवा? अरे तेरे पास वो जिगर है जिससे तू लाखों कमा सकता है, पर मैं करोड़ों। भैरू को छोड़ो, मेरे लिए काम कर। नहीं साहब, हम लोगों ने नक्की कर लिया है, हमें ना भैरू सोलंकी से कुछ चाहिए ना आपसे। चलो। ए शिवा, एक मवाली को मारकर खुद को लीडर मत समझ। लीडर हम हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग पलते हैं, तू भी पल जाएगा। काठिया के बाद भैरू, भैरू के बाद कांतिलाल, बॉस बदलेगा, तेरी औकात नहीं बदलेगी। रिंगारा शुरू हो गया, क्या बात है। सारो पुलिस नहीं जाएगी, ले। वही हुआ जो मैं सोच रहा था, भैरू और उसके आदमी तेरी बस्ती उजाड़ रहे हैं, और पुलिस को मैंने रोक रखा है। जा, दिखा अपनी लीडरी, जा। एक बच्चे के लिए तुमने मेरे आदमी को मारा है, आज से एक भी बच्चा बस्ती में नहीं रहेगा, एक भी नहीं। चलो सबके सबको बस में। क्या हो रही है? अरे भैया, चल सबको अंदर। छोड़ दो मालिक, बच्चुआ ने सू कसूर, आप हमें सजा दे दो, इन्हें छोड़ दो मालिक। ए बुढ़े, तू कैसे भूल गया? कहा था ना आंसू तुम्हारे और खून अपनों का। आज के बाद अगर किसी ने भी यहाँ सर उठाया तो उसके बच्चे का सर जामनगर में कटेगा। सिकु भैया, वो लोग बच्चों को उठा रहे, आप कुछ करो। अरे तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? ये सब इसी लायक है, मैं कब से समझा रहा हूँ, हम सबको भैरव सोलंकी की दया पे जीना है, मगर नहीं, अब भुगतो। अरे छोड़ से, छोड़, छोड़। शिकु भैया, हमें डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस आवाज मत करना, मैं हूं ना, ठीक है? वैसे बस में बिठा के आ, तुम आप पीछे जाके देख, देखो कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, समझ गए? मालिक वो वाली बस भर गई है, तो इसको दूसरी वाली बस में बिठाने जा रहा हूं मैं। मालिक, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? आप चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो मालिक, मगर बच्चों को छोड़ दो मालिक, बच्चों को छोड़ दो। चल छोड़ दिया, जा। Thank you.
कोशिश की मैंने यार, मगर एक भी बच्चे को नहीं बचा पाया यार मैं। शिवा मुझे माफ कर दे यार। नहीं सिको, तुझे कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ ना। पर मैं तो जा रहा हूँ ना, तू बिल्कुल ठीक कहता था, कुत्तों की जिंदगी जीने से शिशु की मौत बेहतर है। सिको, सिको। नारंग, ठिया की जगह भैरो, भैरो की जगह कांतिलाल, यही कहा था ना तूने? बोल, अब लेगा भैरो की जगह? नहीं नहीं शिवा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की जगह नहीं लेनी है। अरे मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अब तुम्हारे पीछे हूँ मैं, तुम बस एक बार बोलो तुम्हें क्या चाहिए। एक कदम, एक ही कदम, ये एक कदम वो इलाका है जहाँ मेरे लोगों ने बरसों तक खून पसीना बहाया, अपने आंसू पिए, अब वो आंसू लावा बन चुके हैं। तू, तेरे धंधे, तेरे लोग, जो भी इस रास्ते में आएगा राख हो जाएगा।
मोतीलाल, मेरे इलाके में ना कोई गुंडागर्दी चलेगी ना किसी की राजनीति। अगर मेरी बात को भूल के अपनी घटिया राजनीति करने की कोशिश की तो तू और तेरे एक एक आदमी के इतने टुकड़े करके समंदर में डालूंगा कि समंदर का पानी लाल हो जाएगा। आज से हम सबकी जिंदगी एक नई जिंदगी है, ना किसी गुंडे को सलाम, ना किसी नेता की जिंदाबाद, ना किसी की जी हजूरी, ना किसी की गुलामी, ना किसी का डर, ना किसी की परवाह। चुपचाप आंसू बहाने सर झुका के चलने के दिन अब गए। हम लावारिस नहीं है, बेघर बेसहारा नहीं, किसी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते नहीं है। हम आजाद हैं। हम सब इस देश इस धरती के बंदे हैं। मेहनत से रोटी कमाएंगे, इज्जत से जिएंगे, ना हमारे काम गैर कानूनी होंगे, ना ही हमारी पहचान। और अगर इस लड़ाई में किसी के बलिदान की जरूरत पड़ी तो पहला सर मेरा होगा। आज से कोई तुम्हारी खुशियों के बीच आएगा तो शिवा का तांडव देखेगा। शिवा, भगवान ने तुझे भेजा है हमारी सबकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए। धन्य है वो जननी जिसने तुझे औरों के लिए पैदा किया। आज से तू सिर्फ शिवा नहीं, छत्रपति है। छत्रपति, 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 छत्रपति। उसने अपने भेरू की सारी मिलकत पे कब्जा कर लिया है। ऊपर से बस्ती के सारे लोग भी उसे छत्रपति बुलाने लगे हैं। नेताओं की भूख सरक गई है। बरसों से अपने साथ बेनामी धंधा करने वाले भी अपने से कन्नी काट के उसके तरफ चले गए हैं। नमस्ते, बैठिए। छत्रपति जी, पावर की लड़ाई में नुकसान तो धंधे का होता है ना। अब हमको और हमारे धंधे को सेफ्टी दे दो, हम आपको डबल पैसा देने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई, भैरों की जगह अगर भवानी आ गया तो सब सत्यानाश। मैं तो कहता हूँ, बार बार जिस धंधे की दुहाई तुम दे रहे हो, वो धंधा वो पैसा इन्हीं गरीबों की मेहनत का नतीजा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इनको लूट लूट के तुमने अपने घर और गोदाम भरे हैं, वो पूरा वापस लौटाना होगा। आज से तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है और ईमानदारी से काम करना तुम्हारी। भैरों की अस्थियां बहाने से पहले मुझे उसका सर चाहिए। मार दो उस लुटेरे को, मार दो बाबू। रघु काका, ये आपका राशन कार्ड। धन्यवाद। ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है शिवा। अब हम निराशी नहीं रहे, बाकायदा हिंदुस्तान के हक से नागरिक बन गए हैं। हमारे पुरखों की बाटी ने हमें अपना लिया है। खुश रहो बेटा।
छत्रपति पुरानी बाजार में दुकान का उद्घाटन करने के लिए आने वाला है। छत्रपति को उसी की बस्ती में मारने चला था। मैं ना होता तो टुकड़े टुकड़े कर दिए होते तेरे। उसे कब कहां और कैसे मारना है ये मैं बताऊंगा। वो तो मैं मारूंगा ही, पर उससे पहले ये बता टकले कि तेरे और छत्रपति के बीच में रिश्ता क्या है। वही जो स्त्री की धार और बाल की जड़ का होता है। अगली बार सिर्फ शिवा को नहीं, हम सबको भी खाना चाहिए भाई। मारो मुझे और मारो। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हिम्मत तो नहीं थी भाई साहब, लेकिन अपने पाप धोने मुझे आना पड़ा। मैं तो बस इस बहन के पैर पकड़ के माफी मांगने आया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जब आप लोगों ने मेरा सर मुंडवाया, मैं घर गया और मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसे दिल का दौरा पड़ा और वो वही लोग अपने माँ बाप के मरने पर सर मुंडवाते, और मेरे इस मुंडे हुए सर ने मेरी माँ की जान ले ली। जैसे तैसे करके उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए बड़े बड़े सपने देखे, और मैंने उसी माँ की जान। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं खुद अपनी जान ले लेता, लेकिन एक बार ये बहन मुझे माफ कर दे तो मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे दुख है कि तुमने अपनी माँ को खो दिया। मेरी वजह से किसी माँ का दिल टूटे, ये मैं कभी नहीं चाहता था। पर अब तुम बदल गए हो तो मेरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें माफ कर देगी, और हमारी लक्ष्मी भी। ये पढ़ा लिखा है, अपने ऑफिस में कुछ काम दे दो। छत्रपति Thank you.
पति और उसकी महबूबा भावनगर जा रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम छत्रपति हो, तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है। कितनी काम की चीज होती है ये। अजय को लेके दिया है ना काम के लिए। उसका मैं क्या करूँ? तुम्हारी मेरी बातें तो नहीं होती ना। तुम ऑलरेडी दिन भर बात करती रहती हो। शिवा, दिन वाली बातें अलग होती और रात वाली बातें अलग होती। सुनो, मैं दिन में तुम्हें कॉल करूंगी तो कहूंगी हेलो, और रात को करूंगी तो कहूंगी हेलो। समझे? तुम भी ट्राई करो ना। बोलो ना, बोलो, तू बात करो।
सपना को हॉस्पिटल लेकर जा। ये चोट कैसे लगी? लेकर जा। आलो कहाँ है? ऊपर ऑफिस में। आलोक। 12 साल पहले सरहद के पार समंदर किनारे एक छोटा सा गांव, नाम मुबारक। गांव में एक माँ और उसके दो बेटे, दो नहीं एक, उसका एक बेटा, अपना बेटा अशोक। हाँ अशोक, तेरी किस्मत अच्छी थी इसीलिए तू शिवा से छत्रपति बन गया। और ये अशोक बेचारा आलोक बनके तेरे यहाँ काम करने लगा। भाई चुप। कौन सा भाई, कैसा भाई? तू मेरे बाप की औलाद है पर मेरी माँ तेरी माँ नहीं है। ये क्या बोल रहा है अशोक? छोटी छोटी बातों पे बुरा मानने की तेरी आदत गई नहीं अब तक? सबके सामने तूने मेरा सर मुंडवा दिया, उस बेइज्जती की वजह से मैं आज तक चैन से सो नहीं पाया हूँ। छोटी बात, जब हम अलग हुए मैंने माँ को यकीन दिला दिया कि तू मर गया। तू अगर मुझे मारना चाहता है ना तो मार दे, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे माँ से मिलने दे, उसके बाद तू जो भी कहेगा मैं करूंगा, तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगा। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक मत कर, भीख नहीं चाहिए मुझे, समझा? ठीक है, चला गोली, कर ले जो करना चाहता है। ना, मैं पागल नहीं हूं, मैं जानता हूं अगर मैंने तुझ पर गोली चलाई तो यहां से जिंदा मैं भी नहीं जा पाऊंगा। हेलो। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ, माँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई माँ, मैंने छत्रपति को एक मासूम सी लड़की की जान लेते देख लिया है माँ, अब मुझे नहीं छोड़ेगा माँ। छत्रपति नहीं, नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो छत्रपति, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे मत मारो छत्रपति। अशोक, अशोक। पागल नहीं हूँ मैं कि खुद को मार लूं। माँ की नजरों में तूने मुझे गोली मारी है, अब अगर उसे पता चलेगा कि तू शिव है तो क्या होगा? फटीना, फटीना, तेरा ये डर देखने के लिए मैं 100 बार और गोली खा सकता हूँ। अशोक ऐसा मत कर, अगर तूने माँ को सच बताने की बेवकूफी की ना तो मैं उसके सामने गोली से अपने आप को मार दूंगा, उसकी सारी खुशियाँ। फिर ना वो कभी तुझे माफ करेगी ना तू अपने आप को। सच बता के माँ को मरवाएगा या फिर माँ से दूर हो जाएगा, बता क्या करेगा तू कमीने? अशोक, 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 पक्का गाड़ी निकाल। स्टेबल ना हो, कुछ ही घंटों में नहीं होश आ जाएगा। शिवा, अब वो ठीक है, लेकिन ये हॉस्पिटल वालों ने फोन कर दिया है, माँ यहाँ आती ही होगी। माँ जब आएगी तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, हम ऑफिस चलते हैं। तुम लोग जाओ। शिवा चल। जाओ। छत्रपति, तुम वही हो ना जिसकी लोग जय जयकार करते हैं? इस औहदे का मतलब भी क्या है जानते हो तुम? छत्रपति तो वो होता है जो औरों के लिए जीता है, ना कि वो जो अपनी बुराइयों पर उंगली उठाने वाले की जान लेता है। तुम्हारी भी माँ होगी छत्रपति, जाकर पूछो उसे, अपने बच्चे को खरोच भी आती है तो माँ का कैसे कलेजा फट जाता है? और तुमने तो मेरे बेटे को गोली मार दी। तुम होगे बड़े आदमी,
जज, कानून, वकील, पुलिस सब जेब में रखे होंगे तुमने, लेकिन एक माँ की हाय से स्वर्ग में बैठा हुआ भगवान भी कांप उठता है। तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदगी भर रुलाएंगे, याद रखना। संभल के, धीरे से बेटा, आराम से। ये सब क्या हो रहा है यार? क्या क्या सपने देखे थे मैंने माँ के लिए? उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था और वो यहाँ पर इस हालत में। परेशान क्यों हो रहा है? अब तो तू छत्रपति है, कुछ भी कर सकता है। अपने भाई की मदद क्यों नहीं करता? नहीं यार, मुझसे वो बचपन से नफरत करता है, मर जाएगा पर मेरी मदद नहीं लेगा। अब क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अशोक भाई, हमने तो नक्की किया है कि हमारे हर धंधे में आपकी भागीदारी रहेगी। नाम आपका और पैसा हमारा, फायदा 50-50। दो चार महीने में तो आप करोड़पति बन जाओगे। मुझ जैसे रोडपति को करोड़पति बनाने का कारण? आपकी हिम्मत, आपका जिगर। छत्रपति से पंगा लेकर भी आप जिंदा हो। हमको तो इतना पता है कि अगर कोई छत्रपति के सामने खड़ा रह सकता है तो एक तुम ही हो अशोक भाई। और अगर छत्रपति रास्ते में आया? नहीं आएगा। जहां मेरा पांव पड़ेगा वो खुद पीछे हट जाएगा। छत्रपति जी, आपने जो करने के लिए बोला था वो कर दिया, और कोई सेवा हो तो बताइए। अशोक को बोलो माँ के लिए सी फिशिंग बंगला बनाए। वो ऐसे घटिया आदमी के लिए क्यों करना चाहते हो? उससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। मारना चाहता है। छत्रपति ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। इन दोनों के बीच का संबंध समझ ही नहीं आ रहा है। मैं समझ लूंगा। क्या देख रहे हो शिवा? मैं बचपन में माँ से कहा करता था कि बड़े होकर उसके लिए महल बनाऊंगा। आज अशोक मेरा सपना पूरा कर रहा है। वहां पर टेरेस होगा जहां माँ रोज डूबते हुए सूरज को देखेगी, और जब बाहर जाना हो तो पोर्च में आकर कहेगी, ड्राइवर गाड़ी निकालो। पर ये तो खुश होने वाली बात है ना शिवा, तुम इमोशनल हो रहे हो। ये सेंटी होने का नहीं, पार्टी करने का मौका है। चलो पार्टी करते हैं। What?
छत्रपति को, उसकी माँ को, उसके भाई को मैं खुद खत्म करूंगा। किसी वक्त पर उनका इंतजाम करो। सॉरी बापू, आपके केस में चांस ही नहीं है, बहुत ही इमरजेंसी हो तुम। तू पेपर बना वकील, इमरजेंसी मैं बनाता हूँ। इतने साल हो गए, सब कहते हैं कि आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे, आपको उम्र कैद की सजा होगी। अगर तुम्हारे मंगलसूत्र में ताकत है तो मुझे कोई जेल में नहीं रख सकता। अब क्या होगा? क्या होगा? कुंवर बा को हार्ट अटैक आया, वो चल बसी, इमरजेंसी परोल। जैसे बड़े आदमी को यहाँ पांव तो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन तुझे पर्सनली इनवाइट करना था तो आना पड़ा। मेरे नए बंगले की वास्तु पार्टी है। क्या है ना शिवा, हर अमीर आदमी रईस नहीं होता। तेरे पास पैसे तो हैं पर क्लास नहीं। क्लास क्या होती है ये तुझे मेरी पार्टी में आके पता चलेगा। तुम सभी आना, ऐसी पार्टी कभी देखी नहीं होगी। शिवा, ये पार्टी तो बहाना है, असल में अशोक ना हमारी बेइज्जती करने को बुला रहा है। जानता हूँ, लेकिन तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगा। अकेला क्यों? 100 बार तूने इज्जत की रोटी खिलाई है, एक बार इज्जत का फालूदा हो जाने दे। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ना 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 ना, यहीं रुको। अंदर कहाँ चले आ रहे हो? हाँ, घर के अंदर सिर्फ VIPs की एंट्री, बस्ती वाले और नौकरों का खाना बाहर लगा है। तुझे क्या लगा, तुझे मैं घर बुला लूंगा तो हमारे बीच बराबरी हो जाएगी? नो वे। क्या है ना, बड़े बड़े घरों में छोटे लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। क्या मिलता है? पुण्य। किसी को मार के गुंडा बनना बहुत आसान है, लेकिन मैंने अपने खुद के दम पर ये एम्पायर खड़ा किया। बहुत फर्क है तेरे और मेरे बीच में, और यही फर्क दिखाने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। अशोक, संभाल अपनी ज़बान। ये क्या बक? खाना खाओ और दफा हो जाओ। अरे अरे, संभाल के। ये शिवा है, मेरा बड़ा बेटा। आज हमारे पास जो कुछ भी है उसके अच्छे कर्मों का नतीजा है। बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में, बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह, है ना? हाँ। अशोक, जा बड़े भाई को प्रणाम कर ले। छत्रपति, बहुत नाम सुना था तेरा, ये अकेला आया है। भैरू मेरा भाई था, तूने उसे मारा, मेरा खून खोला, बहुत खोला, फिर तूने काठिया, बलराम सबको। मैं तेरा फैन हो गया यार, कुछ तो खास है तेरे अंदर, कुछ तो बात है। आज से भवानी प्रसाद तेरे साथ काम करेगा, क्या वो भरोसा नहीं हुआ? हाँ, जब दुश्मन दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो भरोसा कैसे होगा? इसीलिए तेरे लिए एक तोहफा लाया हूं मैं। क्या नाम है उसका? अशोक। अशोक और उसकी बूढ़ी माँ, आज दोनों का किस्सा खत्म।
माता के मंदिर गए, मैंने वहां बम लगा दिया। आधे घंटे में माँ बेटे दोनों बूम। शिवा फोन। हेलो, अरे आप लोग इतनी जल्दी में निकल गए कि मैं आपको ठीक से बता भी नहीं पाया। तख्तेश्वर महाराज के मंदिर में फटेगा बम, माता मंदिर में नहीं। अरे माफ करना, अभी माता मंदिर, तख्तेश्वर महाराज मंदिर, इतने मंदिर हो गए कि मैं जेल में रह के भूल गया, कंफ्यूज हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी भी कंफर्म किया है, वो लोग जगन्नाथ मंदिर गए। छत्रपति से बोलो जगन्नाथ मंदिर जाए। वो क्या है ना कि बम फटने में सिर्फ 7 मिनट रह गए। ये है भवानी प्रसाद सोलंकी। प्रणाम। जीते रहो। देव पुरुष है देव पुरुष, जो भी हम आज हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाए, मेरा बिजनेस खड़ा किया, बस यूं समझ लीजिए मेरे बड़े भाई जैसे। देखो माँ, आज तुम्हारे सामने फिर से तुम्हारे दो बेटे खड़े हैं। अब हमारी नई कंपनी अशोक भवानी कंस्ट्रक्शन पूरे गुजरात में बिल्डिंग्स बनाएगी। ये तो बहुत अच्छा है बेटा। देखो अशोक, जैसे इन्होंने तुम्हारी मदद की, वैसे तुम भी सबकी मदद करना। कभी किसी के साथ दुश्मनी मत मोल लेना। दुश्मनी और हमसे? नहीं नहीं माताजी, आपका आशीर्वाद तो हमारा कवच है, और माँ के आशीर्वाद को मिटाने की हिम्मत कौन मूर्ख कर सकता है। जब तक आप हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो बेटा, आप भी आइए। अशोक, तो उसके साथ क्या कर रहा था? कौन? भवानी प्रसाद? जामनगर का शेर है वो, और मेरा पार्टनर है। कुछ नहीं है वो। देख अशोक, तू उसको जानता नहीं है, मेरी और उसकी पुरानी दुश्मनी है, वो अच्छी तरह से जानता है तू मेरी कमजोरी है, तेरी वजह से माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। तो मरने देना, मरेगी तो मेरी माँ मरेगी, तेरा क्या? कमाल है, ये तो खुद ही आके फंस गया। ए, ए, पकड़ो इसे। अशोक, 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 बेटा क्या हो गया? वो छत्रपति मुझे मार देगा माँ। अशोक, मा, मा, अशोक दरवाजा खोल। हाँ, तुम चलो यहाँ से, तुम चलो मेरे साथ। अशोक, अशोक, आइए हिम्मत, आओ, बैठ, जल्दी बैठो माँ। देखा माँ, वो अब भी मुझे मारना चाहता है। भैया जरा जरा जल्दी चलाना, वो मेरे बेटे को मार देगा, जरा जल्दी करो। चाकू ना तलवार ना बंदूक ना बम, आजकल सबसे बड़ा हथियार है ये फोन। दिखाओ। हाँ पापू, बुढ़िया को उड़ा दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अगर मैंने 5 मिनट में फोन नहीं किया तो उड़ा देना। चलो आराम से बात करते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, क्या चाहिए तुझे? बताता हूं, इतनी जल्दी भी क्या है। ये कहाँ लेकर आए? अरे माँ जी, एकदम सही जगह पर है, सेफ जगह है, चिंता मत करो, आओ आओ, आओ। अशोक माँ, चलिए, अपने भरोसे के लोग हैं सब। अरे माँ को लेके जाओ, सेफ जगह पे लेके जाओ। आइए माँ जी, अरे जाइए माँ जी, जाइए जाइए। मैं 4 दिन जेल क्या गया, तुम भूल गए? तुम सब निराश ही हो।
सरहद पार से आए हो। मेरे भाई के मरने पे तुमने होली मनाई थी ना, आज दिवाली मनेगी। देख ले भैरू, आज इन सबको तेरी मौत का अफसोस होगा और अपनी जिंदगी का भी। देखा शिवा, कितना अच्छा खेल है। हर 5 मिनट में तू और भी ज्यादा गरीब और बर्बाद और लाचार। मजा आ गया। सुना है कि तू मालिश बहुत अच्छी करता है। चल वही सही। रुक रुक, नहीं 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 बापू, मालिश नहीं, मालिश बिल्कुल नहीं, इसके हाथ से तो बिल्कुल नहीं। रवि भी हो क्यों, तुझे करवानी है? नहीं 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 नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मालिश से क्या तकलीफ है? जिसने भी इसके हाथ से मालिश करवाई ना, वो ऊपर गया। मजा आ गया। शुरुआत में मजा ही आएगा। देख लो, ये तो शुरुआत है, असली तमाशा अभी बाकी है। कल सुबह तुम्हारे इस छत्रपति का वरघोड़ा निकलेगा। वरघोड़ा समझते हो ना, बारात। गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटते हुए ले जाऊंगा इसको। अलंग की हर गली से होकर ये बारात पहुंचेगी शमशान। आज के बाद यहाँ एक भी निराशी का घर नहीं बचेगा। 24 घंटे में मुझे ये बस्ती खाली चाहिए, वरना इस बस्ती के साथ साथ तुम लोगों को भी चलाकर खाक कर दूंगा। ए शिवा, आज तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तू खुद ये बस्ती खाली करवा के मेरे हवाले कर दे। आज से ये बस्ती और तेरी हस्ती दोनों खत्म। छत्रपति की मौत की बारात निकलने वाली है। मजा आ गया भाई, मोटा भाई एकदम जबरदस्त। और उसके बाद किंग ऑफ आलम अशोक। वो आ गया। लेकिन कैसे? वो यहाँ आ तो गया है, लेकिन जिंदा बच कर जाना नहीं चाहिए। पकड़ो उसे। अरे सरस्वती चला उसका सरस्वती। अरे तुम जिसके गुरु हो जाओ उसका शरीर तो भारी रहेगा। वो एक एक करके सबको मार रहा है। मार नहीं रहा है, शिकार कर रहा है, जैसे शेर करता है। अब अगर हमें शेर का शिकार करना है तो बकरी तो बांधनी पड़ेगी ना। यानी कि बकरी मैं? क्यों मोटा भाई? चुप खोल की ना। भाई के नाम पे तू गाली है गाली। उस छत्रपति ने तुझे घर दिया, पैसा दिया, धंधा दिया, तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर रख दिया। तो आज जो कुछ है ना उसकी बदौलत है। जब तू उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा लाला? ये देखो, इसको छत्रपति बनना है, इसको। अब बुला अपने भाई को, मेरे सामने बुला, बोल भाई, भाई बोल।
अच्छा बेटा बन नहीं पाया, माफी मांगने लायक हूं तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे एक मौका जरूर देना अपना लक्ष्मण बेटा बनने का। सच कह रहा है, खा मेरी कसम। सच्चे दिल की नियत,
100 कस्मों से बड़ी होती है माँ। You